जी नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का जागा कांग्रेस प्रेम भूपेंद्र हुड्डा को लेकर दिया बड़ा बयान। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 2024 के चुनाव को लेकर भी हरियाणा में राजनीतिक जंग छिड़ी है। भिवाड़ी में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी से भी बड़ा नेता बताया। साथ ही कहा कि एक दिन हुड्डा के कांग्रेस छोड़ हमारे साथ आना होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने नेताओं से नौकरों जैसा व्यवहार करती है। रणजीत चौटाला ने कहा कि हुड्डा राहुल गांधी से बड़े नेता है, लेकिन एक दिन उनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी। रणजीत के इस बयान के बाद हरियाणा में राजनीति का मासान छिड़ गया। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है, बाकी कुछ नहीं है। कांग्रेस में हुड्डा के बराबर तो राहुल गांधी भी नहीं है। कांग्रेस के दूसरे नेता तो हुड्डा को काटने में लगे रहते हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी मीठी बोली से कांग्रेस को तोड़ने के लिए तीर चलाए। रणजीत चौटाला ने कहा कि एक दिन हुड्डा को कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आना होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने नेताओं से नौकर जैसा व्यवहार करती है। इसी कारण बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। चौटाला ने इसको लेकर नटवर सिंह की किताब का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस, बाकी तो उन्हें काटने में लगे रहते हैं। इसके साथ ही रणजीत चौटाला ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर कहा कि ऐसे शब्द बोलने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।